एल्विश यादव रिएक्ट किए फ्लाइंग बीस्ट एंड रितु राठी के डायवर्स रूमर्स वाली न्यूज पर। तो फ्लाइंग बीस्ट एंड रितु राठी के डायवर्स की जो रूमर्स वाली न्यूज फैल रही है उसको लेकर वो कही थी कि ये हमारा फैमिली मैटर है, इसमें फैंस को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि आप एक फैमिली व्लॉगर हैं एंड आप फैंस को इस मैटर से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। तो एल्विश यादव इसी चीज पर रिएक्ट करते हुए क्या कहे आप देख सकते हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पे अपनी लाइफ दिखाते हैं, हम 24 घंटे जीते हैं और मान लो 10 मिनट का व्लॉग हमने निकाल दिया, तो उस 10 मिनट में जरूरी नहीं कि हमने अपनी 24 घंटे की लाइफ दिखानी है। क्या पता वो 2 घंटे में भी हमने कवर कर लिया हो, क्या पता हमने 4 घंटे में कवर कर लिया हो और बाकी की हमारी जो अनकट जिंदगी है, मतलब जो हम खुद की पर्सनल लाइफ है, उसको हम कैमरे पे ना दिखाते हो सकता है, और जो कि होता भी है, टाइम बढ़ता जा रहा है, जो कि होता भी है। तो बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी होती है कि सामने वाला क्रिएटर जो यूट्यूब पे अपनी लाइफ दिखा रहा है ये अपनी सारी चीज़ें हमसे शेयर करेगा, जो कि नहीं होता ऐसा। मान लो आप अपने आप को भी रख के देखो किसी की जगह कि अगर आप कोई कंटेंट शूट करते हो तो आपके हर चीज़ दिखाओगे? द आंसर इज ऑब्वियसली नो भाई। पर्सनल जिंदगी होती है, किसी का पर्सनल ट्रॉमा होता है। तो मेरा बस यही मानना है कि उस हिसाब से किसी को जज मत करो, अपनी जिंदगी जियो, मौज लो और हंसो खुश रहो, मौज करो। मतलब जो कंटेंट देख के आपको खुशी मिलती है, हंसी मिलती है, उसको देखो रैदर देन किसी भी चीज पे कमेंट करने से। समझ रहे, कुछ गलत कही थी भाई, जनता में कमेंट तो मारेगी, उसमें क्या होगा। नहीं वो अलग चीज है, कमेंट मारेगी नहीं मारेगी, बट फिर भी मतलब लोगों को समझना चाहिए थोड़ा। हम भी तो बेवकूफ थे पहले, अब देखो ग्रो हो गए ना, हम भी देखो मैच्योर हो गए ना, तो ऐसे सब धीरे धीरे मैच्योर हो रहे हैं, जो मतलब 18-19 साल के बच्चे हैं।